राफेल विमान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है। इसको किस देश से खरीदा गया है? इसको फ्रांस से खरीदा गया है। किस कंपनी ने इसको बनाया है? दसॉल्ट एविएशन ने इसको बनाया है। ठीक है, दसॉल्ट एविएशन फ्रांस, इससे राफेल विमान को खरीदा है भारत ने। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों का समझौता हुआ था, जो कि कितने करोड़ का था? 59,000 करोड़ रुपए का समझौता था। ये कब हुआ था? 2016 में ये समझौता संपन्न हुआ था। पहले खेप के तहत 5 राफेल विमान फ्रांस के मेरिनेक एयरवेज से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पहले जो 5 राफेल विमान थे वो किस एयरबेस पर आए थे भारत में? तो अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की थी। और फ्रांस के किस एयरबेस से उड़े थे? मेरिनेक एयरबेस से उड़े थे। ठीक है, फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। किस एयरबेस पर? डफरा एयरबेस पर हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, डफरा एयरबेस। देश भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है किस देश में पहले लैंडिंग हुई थी फ्रांस के बाद? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत को मिले राफेल फाइटर प्लेन 4.5 पीढ़ी के हैं। भारत से पहले इजिप्ट देश और कतर देश ने राफेल खरीदा था। यानी कि टोटल 4 देश हैं जो राफेल का इस्तेमाल करते हैं, फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत। राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पायलट कौन थे? हिलाल अहमद। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। राफेल में उड़ान भरने वाले पहले फाइटर पायलट भारतीय पायलट कौन थे? हिलाल अहमद। नाम याद रखना है आपको, हिलाल अहमद। ये पहले भारतीय पायलट थे जिन्होंने राफेल में उड़ान भरी। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने इनका नेतृत्व किया था, जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था 2009 में। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह। राफेल की बार वहन क्षमता है 95,500 किलोग्राम। अधिकतम 24,500 किलोग्राम लेकर 60 घंटे तक की उड़ान भरने में सक्षम है। इस पर प्रयुक्त होने वाली मिसाइलों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन सी मिसाइल हैं? स्काल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल और मीटियार मिसाइल। मीटियार मिसाइल ये फेमस है, तो याद रखनी है आपको, स्काल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल और हैमर मिसाइल, इन तीनों को राफेल में प्रयोग किया सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।